आपको मर्डर करना है तो मैं एक घंटे तक मर्डरर ही बन के घूमूंगा। मैं करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीका पंगवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पेकदान, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज बना देता है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत तगड़े कलाकार थे और बहुत मेहनती कलाकार थे। अब रुपया तो कमावे जल्दी तो कर रहे हैं। उन्होंने सुसाइड क्यों किया वो तो वो जानते हैं। गोली सचानी को लगन, लेकिन गाड़ी वाड़ी उड़ावो है, सच्ची बात है, बहुत पैसा बहुत लगता है। अभी फिलहाल मैं झनक कर रही हूँ और अभी मेरी एक मूवी की बात चल रही है। मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ गड़बड़ी है। जब भी इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो उसको एक इतनी सी ज़रूरत होती है, डूबते को तिनका का सहारा। और जिसके साथ माँ होती है ना, जैसे अपने मोदी जी के साथ देख लो, माँ थी ना प्रधानमंत्री बन के, मेरे साथ मेरी माँ है, वो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम जी मोक्ष प्रभु को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। केशव जी भी आपने अठाओ सिक्कर का ही और सिक्कर ही निकल आई, काफी ये मूवी कर चुके हैं, काफी ये सीरियल कर चुके हैं, तो अनुभव बातचीत करांगा, तो वीडियो थान शेयर करना, लास्ट तक ही वीडियो देखोगा तभी थारे समझ में आओगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम। इंडस्ट्री के अंदर तो परिवार परिवार बात चल रहा है, परिवार वाला ही चलता रहवी ही, बारे को जल्दी से लीक होनी चाहिए कि सुशांत आलो जो केस देखियो बिन देखी, मतलब कठे ना कठे लोगों के अंदर एक बिल्कुल जगह ही खत्म हो चुकी है। मीडिया में क्या है, कई प्रकार की बातें आती हैं और वही बात है, कोई बात वहाँ से चली है ना मुंबई से, वो सीकर या झुंझुनू या अपने गांव तक घर तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं एक बात की 100 बातें हो जाती हैं। और ये सत्य बात है, आप मेरी बात को लो या आपकी बात को लो, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, उसने आपकी एक बुराई किसी को कर दी, अब वो बुराई आपके घर तक या आपके रिश्तेदार तक पहुँचते पहुँचते 100 बुराइयों में कन्वर्ट हो जाएगी और भी बेचारे की अच्छाई छुप जाओगी। और यहाँ के सुशांत सिंह राजपूत बहुत तगड़े कलाकार थे और बहुत मेहनती कलाकार थे। अब उन्होंने सुसाइड क्यों किया वो तो वो जानते हैं, क्योंकि मुंबई बहुत फास्ट चलती है, वहाँ किसी एक के जाने से रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहती है। और क्या है, पर रही बात परिवारवाद की, तो एक बात बताओ, थे हो तार पिताजी है, बाकन जमीन जायदाद है, तो को बाकी का आन भविष्य की का नाम करेगा, थारे नाम करेगा, बिल्कुल सही बात, या तारा पड़ोसी का नाम कर देगा, पड़ोसी का कौन करेगा। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा पहले कामयाब हो। ये परिवारवाद तो कहने की बातें हैं, ये तो क्या है, देखो मानता हूँ कि वो, लेकिन मानता हूँ कि उनके पास प्रोडक्शन होता है, पैसा होता है, और कई हीरो हैं उनके पास टैलेंट भी होता है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। कई हीरो हैं जो परिवारवाद के कारण भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कई बार कई लोग अपने परिवारवाद को भी ठुकरा गए, जैसे रणवीर कपूर है, बहुत आगे पहुँच गए। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही, मतलब ये कहने की बात है, देखो ये सारी कहने की बात है, मैं एक ही बात जानता हूँ, आप अपने हुनर पे विश्वास रखो, अपने टैलेंट पे विश्वास रखो। फिलहाल थे कौन सा सीरियल कर रहे हो? अभी फिलहाल मैं झनक कर रही हूँ और अभी मेरी एक मूवी की बात चल रही है। मैं बस अतरो ही बताऊंगा, मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ गड़बड़ी है और बिको नाम वगैरह मैं कुछ बोल कौन सकूँ, बस अतरो एक क्लू दे दियो था, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी अंडर शूटिंग चल रही है, पहले मैं नाम बोल दूंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी कल को मेरे। अब जैसे थारो लुक है, ये मूंछ ही थी, ये चश्मा लगा रखे ही, ये बाल ही थारा, धूप में देखा तो एकदम लाल लाल बाल दिखी, तो यो लुक की को थी धारण कर रखे? ओ मेरो खुद को लुक है, मैंने मेरी ट्रेनिंग में यहाँ सिखाया गया कि आप एक प्रोडक्ट हो और आपको अपने आप को बेचना है, अब आप कैसे अपने आप को बेचोगे वो आप डिसाइड करो। तो मैंने इससे पहले कई लुक को ट्राई करके देखे, मैं इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी भी रखी है, लंबे लंबे बाल भी रखे हैं, अभी भी मेरे लंबे बाल थे, अभी कटवाए मैंने, क्योंकि मेरा कोई पुलिस का शूट था, इस चक्कर में मैंने क्या उस किरदार को सत्यता दिखाने के लिए, कि ट्रुथ दिखाने के लिए मैंने बाल कटवा लिए, ये तो फिर थोड़े बढ़ गए, नहीं तो एकदम पुलिस वाली कटिंग करवा ली थी मैंने। थोड़ी देर पहले मैंने बात बता रहा कि भाई एक बार मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, तो सबसे ज्यादा बताओ कि खुश कद हो यार? देखो इंसान क्या लालची होता है, वो खुश होता ही नहीं है, उसको जितना मिलता है ना उसकी चाह उतनी बढ़ती जाती है डबल। अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि अब मैं सीरियल, मेरे मन में हो गया कि यार सीरियल तो अपन ने कितने कर लिए, ऐसे इतनी मूवी कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, और मेरे को पता है 1-2 साल में इतनी कर भी लूँगा, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, मैं कर लूँगा, ऊपर वाला दे रहा है तो वो देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है, तो इतना मेरे को बिलीव है अपने ऊपर। जितने अभी मैंने 9-10 महीने में सीरियल किए हैं, इतने ही आने वाले 2 साल के अंदर मैं मूवीज़ भी कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत हो चुकी है। दिक्कत होती है आपकी शुरुआत की, टीवी पे मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद में मैंने 9 महीने में बहुत काम किया, मूवी में अभी मेरे को शुरू हो रहा है, जैसे ही शुरू हो जाएगा शूट, लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद में और भी काम मिलता रहेगा,
एक बार जाए थे बताया कि सो ज्यादा मैं टूटे हो तो मम्मी मन सारो दियो बा बात बताओ एक बार थोड़ी सो। देखो इस इंसान के जीवन में है ना सबसे बड़ी तकलीफ ये आती है कि जब वो टूटता है उसका हौसला चला जाता है तो उसको हौसला देने वाला कोई नहीं होता। आपको है ना मतलब टांग खींचने वाले आपको उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं होता। जब भी इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो उसको एक इतनी सी ज़रूरत होती है डूबते को तिनका का सहारा। मेरी तो माँ थी और जिसके साथ माँ होती है ना जैसे अपने मोदी जी के साथ देख लो माँ थी ना प्रधानमंत्री बन के मेरे साथ मेरी माँ है और मेरी माँ है तब तक मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता हरा ही नहीं सकता। क्यों अपनी माँ की इज्जत करो सच्चे दिल से माँ बाप की इज्जत करो बस माँ की इज्जत कर लोगे ना खुद ही आ जाएगी आपके पास कामयाबी चल के आएगी कामयाबी। अच्छा। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माँ है ना माँ मैंने देवी देवताओं को नहीं देखा सच में मूर्तियाँ ही देखी हैं लेकिन मैंने मेरी माँ के अंदर सारे देवी देवता देख लिए। बिल्कुल पर खाटू श्याम जी पर थे काफी विश्वास करो जो बता रहे हैं बहुत हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। काफी लोगों को मैं फैन हूँ बचे अनुपम खेर वो चे नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो तो बन की थोड़ी सी मिमिक्री। नाना पाटेकर सर का एक मूवी था यशवंत लोहार उसका एक डायलॉग बोलना चाहूंगा मैं। अच्छा है साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है एक खटमल पूरी रात को अपाहिज बना देता है साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। सुबह उठो घर से निकलो शाम को वापस घर आओ दारू पियो बच्चे पैदा करो और फिर सुबह तक मर जाओ क्योंकि इंसान और इंसान की आत्मा मर चुकी है जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुकी है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान फीका पंगवान खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान 100 में से 90 महिबान फिर भी मेरा देश महान। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। अमन गंध की बातों से आज नंगे रास्ते कांपते हैं कल पैदा हुए बच्चे आज एक सांस लेने को हाफते हैं। जिस राम ने एक अयुद्ध के लिए जिस राम ने बाली को मारा रावण को मौत के घाट उतारा मुझे उस राम की तलाश है लेकिन लगता है इस कलयुग के राम को ता उम्र का वनवास है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। गिरो 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 सालो गिरो गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं होने देता जमीन की तह से मिलकर भी अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देता लेकिन इतना समझने के लिए वक्त किसके पास है। क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। राम लल्ला की तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और देश आप लोग काफी खुश है तो ठीक इतना खुश हो। मैं तो खुश हूँ और उस दिन मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ वो मैं बताऊंगा नहीं लेकिन मेरे को उस दिन उन्होंने फील करा दिया कि हाँ भाई मेरे राम जी आए। मेरी कोई चीज गुम गई थी तो मैंने 2 बजे तक तो उसको ढूंढा वो नहीं मिली तो मैंने कहा हे प्रभु श्री राम अगर आज आप 22 तारीख को सच में आए हो ना तो मेरी गुमी हुई चीज़ को मेरे को मिलाओ तब मैं यकीन करूँगा। मैं कह रहा हूँ रात को 7 बजे मेरे को वो मेरी चीज़ मिल गई तो मेरे को सच में यकीन हो गया आए तो बड़ी चीज है कि मतलब थे भगवान ना चैलेंज करो कर दियो मैम ही मेरे चांदी को कड़ो हो और वो भी खड़े मिले सड़क पर मारू स्कूल है हमारे यहाँ और वो लोग पूरे दिन मतलब मिल गया कल रात का गिरा हुआ आज मिल जाए मेरे को आज रात को मिले 24 घंटे बाद में तो ये तो राम की कृपा है। अच्छा। क्योंकि मैंने 2 बार घूम के देख लिया नहीं मिला था मेरे को तो अभी अठे जैन देखा भाई थे बैठे सीरियल वगैरह करे ही काफी सारी चीज करी ही और रुपयो भी कमायो है रुपया तो कमावे जाती तो कर रहे हैं पर अठे आपने भाई लोकल एरिया के अंदर काफी सारा लोग हैं जो के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है बड़े बच्चा के लिए थे कब उभर के आऊंगा भाई अभी बच्चा के लिए थे के कुछ करना चाहूंगा। मेरे को जब जब भी मौका मिला है और जब भी मेरे को कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट दिखा है ना मैंने उसके लिए खुद ने पर्सनल अपनी स्टोरी लिखी है और उसके साथ काम किया है लेकिन आपने की है अठे ने भाई मैं यहाँ देखियो मैं बम्बई में शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान या खेर साहब अमिताभ बच्चन आ लोगों ने मैं हाथ जोड़ नमस्ते सबको नमस्ते सबको यहाँ प्यार प्रेम से बतलाता सबसे मतलब बामी मैत्री कलडाउन गंदी की अठावड़ा में मैत्री कलडाउन देखूँ जब मैं यहाँ सोचू हारे इतना बावड़ा इतरे समय इतना बावड़ा है तो आगे तो केवल राम जी ने चैलेंज मार दे मतलब कलडा अड़ा का घमंड बहुत घमंड एटीट्यूड पूछो मत मैं देखो कुछ लोगों से पर्सनली मिला हूँ मेरे को उनका स्वभाव है ना बिल्कुल वो पता नहीं इतने फॉलोअर्स में क्या होता है ये फॉलोअर्स मैं मानता नहीं मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखे जिनके फॉलोअर्स नहीं है पंकज त्रिपाठी के आज फॉलोअर्स इतने नहीं है तो इसका मतलब वो बेकार एक्टर नाना पाटेकर के इतने फॉलोअर्स नहीं है वो बेकार एक्टर है वो उनके हाँ वो बेबाप है सबका बाकी फॉलोअर्स कोनी को मतलब इंडस्ट्री में आपा काफी लोगों ने देखा बहुत बड़ा बड़ा लोग ही है तो इतना बड़ा बड़ा बंगला में रही लिखी मैं रियल में बहुत अच्छा लोग हुए बहुत शांत स्वभाव का हुआ और
वे बहुत डाउन टू अर्थ हुए, जदि वे बहुत ऊपर हुए, बहुत डाउन, वे कोई न भी हर्ट कौन करे, कोई न भी दुखी कौन कर, कोई भी कलाकार हो, कोई बार बार थाने बताओ ना, कोई भी टाइप को कलाकार हो, भाई छोटी सी सफलता मिल गई जिम्बो मोदो को, वे लोग जरूर कोई ना दो बात बोल सके, बाकी ये जितना भी बड़ा कलाकार है ना, ये मददगार हुआ कि थे गेट पर जा खड़े हो जाओ थारे जहाँ। मैं सलमान खान के कई बार उधर घूमने जाता हूँ बंगले की तरफ, बैंड स्टैंड फैमिली आती है या मेरे दोस्त आते हैं जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैं देखता हूँ सलमान खान के बंगले के बाहर लोग बैठे हैं पर्ची लेके, हमारा ऑपरेशन करवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है। शाहरुख खान के बंगले के बाहर बैठे रहते हैं, तो वो लोग उनकी मदद करते हैं, बहुत बहुत करते हैं। कई बार सलमान भाई तो खुद जाके हॉस्पिटल में मिल के आते हैं। नाना पाटेकर साहब है, उन्होंने कह रखा है कि कोई भाई पैसे की वजह से सुसाइड मत करो, किसी भी किसान को जरूरत हो मेरे पास आओ, मैं मदद करूंगा। तो आप बताओ ज़्यादा आग लोग के कर सके, तो थे भी कोई आके बंगला के सामने की गुजरो या कभी मिले रहो कोई बड़ा स्टार? मैं मोस्टली तीन सुपरस्टार को छोड़ के सबसे मिला हूँ। तीन सुपरस्टार कौन सा? शाहरुख, सलमान, आमिर। आमिर सर से भी मैं मिला हुआ हूँ। तो आ लोगों ने मतलब आपा ज्यादा बड़ा स्टार समझा? हाँ स्टार है ही, तो समझ भाई जरूरत नहीं है, सिद्ध गुण कर दियोगे शाहरुख खान बार, तीन चार फिल्म लगातार सुपर डुपर हिट। नहीं देखो सुपर डुपर हिट आपको कोई दिन क्रेज हो, आज भी चलो मैं उनको क्रेज को नहीं, पर नया लोग आगा, नया युवा आगा, तो बाको क्रेज ज्यादा बढ़ो है। क्रेज तो देखो ऐसा है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली विराट कोहली है, तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जनता सचिन से प्यार करना भूल जाएगी। नहीं वो तो बस वो जब भी सचिन नजर आएगा तो विराट कोहली को भूल जाएगी। अच्छा। सचिन को देखेगी वो तो बस ऐसे ही है, सलमान, शाहरुख, आमिर या और भी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये सीनियर है, सीनियर की रेस्पेक्ट करो तभी आप आगे बढ़ोगे। और यही होता है कि आप अपने बड़ों की को इज्जत दोगे ना, तो ही वो आपको आपको कहते हैं ना, एक बुझावा दिया है उसको अगर जलना है तो उसको जलते हुए दिए के पास अपनी बत्ती लेके जानी पड़ेगी, तभी वो आग पकड़ेगा और खुद जलेगा। सेट के ऊपर कसो की माहौल रहा है? सेट के ऊपर क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉल टाइम आता है एक दिन पहले कि सर कल आपको 11 बजे इस स्टूडियो में आना है, तो हम चले जाते हैं वहाँ में, रूम या वैनिटी वैन जो भी होती है वो हमें अवेलेबल होता है, वो हमें दे देते हैं। उसके बाद में मेकअप मैन आता है, मेकअप करके चला जाता है, स्क्रिप्ट मैन आता है, स्क्रिप्ट देख के जाता है और सीन बता के जाता है, सर ये आपके सीन रहेंगे आप प्रैक्टिस कर लो। तो उस टाइम में तो क्या थोड़ा टाइम देते हैं ताकि डायलॉग याद रहे, सीन समझ सके। अगर मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ तो मेरी आदत है मैं बैक स्टोरी में भी जाऊँगा, उसके एक पेज पीछे का भी पढ़ूंगा और एक पेज आगे का भी पढ़ूंगा। मैं अपनी लाइन नहीं पढ़ता, मैं पीछे वाला पन्ना भी पढ़ता हूँ, आगे वाला पन्ना भी पढ़ता हूँ, ताकि मेरे को सीन का पूरा समझ में आ जाए कि ये सीन चाहता, इसमें डिमांड क्या है। तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर डायरेक्टर जब भी बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आपका सीन लगने वाला है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं जिसके साथ हमारा सीन है। फिर वन टेक, मैं तो अपने आप को वन टेक आर्टिस्ट मानता हूँ। देखो जहाँ गोली लग जा है, टूट जाए, फूट जाए, बहुत सिस्टम हुआ है, गाड़ी टूट जाए ही, भिड़ जाए ही, वह सब हुआ है, सच्ची बात है। गोली सचानी कौन लगे, लेकिन गाड़ी वाड़ी उड़ा हुआ है, सच्ची बात है, बहुत पैसा बहुत लगता है। सौ सौ आदमी तो आपका सेट बनाने के लगे हुए हैं, तो आप सोचो सौ आदमी सेट बनाने में लगे हुए तो पैसा कितना लग रहा होगा। अगर किसी आदमी को हम 1000 रुपये भी पर डे का दे रहे हैं, बिल्कुल, तो कितना पैसा लग रहा होगा। बिल्कुल सही, तो ये ऐसे चलता रहता है, और मेहनत करते रहो और हमेशा कोई भी सीन करो उसमें अपने ट्रुथ को दिखाओ, सच्चाई, उस मोमेंट को जियो। जब जैसे कोई मेरे को कह रहा है कि आपको मर्डर करना है, तो मैं एक घंटे तक मर्डरर ही बन के घूमूंगा, मैं किसी से केशव रचयिता बन के बात ही नहीं करूंगा, चाहे मेरे को गाली निकालनी पड़ जाए अगले को, और उसके बाद में सॉरी भी बोल देता हूँ। अभी मैंने काव्य किया था, ये सोनी पे आता, काव्य एक IAS ऑफिसर की कहानी है जो बिग बॉस में आई थी। अच्छा। और अभी नंबर 8.2 IDP MP कर रही है, तो मैंने सुम्बूर तोकीर इनके साथ मैंने काम किया है। काव्य तो बहुत पढ़ी लिखी स्टोरी थी, तो उसके अंदर भी मैंने इतनी एनर्जी लगा दी थी, क्या तो डायरेक्टर, क्या प्रोड्यूसर, क्या सपोर्ट स्टाफ, क्या मेकअप दादा, क्या पानी पिलाने वाला, सब उठ के मेरी पीठ थपथपा के गए थे कि वाह बोलो फुल एनर्जी, क्योंकि मेरे को पता है मेरा मेरी पीठ दिख रही है फिर भी मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो वही होता है कि एक्टर, आप ये भूल जाओ कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, देख रहा वो है, बिल्कुल, बस उससे बड़ा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, बस सीधी सी बात। तो लास्ट में जाता जाता एक डायलॉग सुना दो। मैं उन सभी के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए एक बात पे बोलना चाहूंगा, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, याद रख जो आंधियों में भी हैं मुस्कुराते वो समय पे, जो आंधियों में भी हैं मुस्कुराते वो समय के पद पर, पद चिन्ह अपने छोड़ जाते चिन्ह वो जिन्हें धो न सके प्रलय तूफान घन भी, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर
चल मुसाफिर। तो केशव जी, आपने 7 माह और छोटी सी अपनी स्टोरी बताई है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी आप जाने हाँ, और 15 मिनट को आपने थाने वीडियो दिख रहे हो तो बी के पीछे 5-6 घंटा की मेहनत है। यही अगर ये 30 सेकंड को रोल भी करो है तो बी के पीछे भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन की मेहनत है। बाबी उसका कम से कम 3 दिन लगते हैं एक सीन को बनाने के लिए। 3 दिन एक सीन को करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर मेरा कोई शूट है और मेरा चाहे 2 मिनट का सीन है, उसको करने के लिए भी 3 दिन का आपके पास टाइम होना चाहिए। वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट है बस जरूर कर दियो। राम राम जी, जय हिंद, जय राजस्थान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।